एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल स्टडी मटेरियल पे। सो फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे कि मैडम एस्टेट तो निकल गया, आप स्क्रीनिंग की तैयारी कहाँ से करें, किस तरह से करें, किस चैनल से तैयारी करें या फिर सेल्फ स्टडी करें, तो शुरुआत कहाँ से करें, सिलेबस क्या रहने वाला है, कौन स्टूडेंट इस स्क्रीनिंग के एग्जाम को दे पाता है, सारा ही प्रोसेस, सारी ही इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में दूंगी स्क्रीनिंग से रिलेटेड। ठीक है, आप हरियाणा से बिलोंग करते हो, आपने एस्टेट क्वालिफाई किया है और आप हरियाणा में ही टीचर बनना चाहते हो पीआरटी टीजीटी या पीजीटी लेवल के लिए, तो इस वीडियो को देख ले। ठीक है, इससे आपके सारे ही डाउट क्लियर हो जाएंगे, सारी ही इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। फिर भी अगर कोई डाउट आपका रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, मैं कोशिश करूंगी आपके डाउट को क्लियर करने की। तो चलिए शुरुआत करेंगे इस वीडियो की। उससे पहले चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर लेना वीडियो को और इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट करके जरूर बता देना। सबसे पहले बता दूं, जो स्क्रीनिंग का एग्जाम होता है भाई, वो एस्टेट के बाद होता है, आफ्टर एस्टेट। ठीक है, जब एस्टेट का एग्जाम क्वालिफाई करते हो तभी आप इस स्क्रीनिंग के पेपर को दे पाते हो, वो भी तब जब वैकेंसीज आती हैं, वैकेंसीज आपकी हरियाणा में आती हैं टीचर्स के लिए पीआरटी टीजीटी पीजीटी लेवल के लिए, तभी आप जो है स्क्रीनिंग दे पाते हो। पीआरटी का सभी को पता है, ठीक है, एस्टेट होता है ये आपका फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए कंडक्ट होता है एस्टेट। उसके बाद जब आपकी वैकेंसीज आती हैं, ठीक है, स्क्रीनिंग की, तो आप फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए सिलेक्ट होते हैं अगर आप क्वालिफाई करते हो, मतलब कि एग्जाम को क्रैक करते हो। उसके बाद टीजीटी का भी सेम ही होता है, यहाँ पे सिक्स टू एट के टीचर बनोगे। ठीक है, एस्टेट के बाद टीजीटी क्लियर करते हो, स्क्रीनिंग देते हो, तो आप इस जो है सिक्स टू एट के लिए सिलेक्ट किए जाओगे टीचर के लिए। उसके बाद जो आपका पीजीटी लेवल होता है, पीजीटी जो लेवल होता है वो 9 to 12 के लिए रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आप 9 to 12 के टीचर बनते हो जब आप पीजीटी क्लियर करते हो एस्टेट में, उसके बाद स्क्रीनिंग क्लियर करते हो तो आप यहाँ पे 9 to 12 के टीचर बनते हो। तो वैकेंसीज के बाद ही भाई आप स्क्रीनिंग दे पाओगे। ठीक है, यहाँ पे अभी पीजीटी के लिए जो है आपको पता है वैकेंसीज देखी गई है, टीजीटी के लिए आपका नोटिफिकेशन आया था, बट अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, इस पे भर्ती होंगी। और पीआरटी के लिए भी बता दूं, बहुत सा जो है टाइम हो चुका है, पीआरटी के लिए वैकेंसीज आने के पूरे चांसेस हैं, काफी सालों से यहाँ पे पीआरटी की वैकेंसीज नहीं देखी गई है। देखो अब मैं बता दूं भाई इसका प्रोसेस क्या रहने वाला है, पैटर्न क्या रहने वाला है आपका स्क्रीनिंग का। तो स्क्रीनिंग का जो पैटर्न रहेगा, सारी ही चीजें रहेंगी आज की इस वीडियो में, तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करना तभी आपको चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, स्क्रीनिंग यहाँ पे देखो, पेपर हुआ था स्क्रीनिंग का, टीजीटी पे भी हो चुका है, पीजीटी पे भी हो चुका है। ठीक है, टीजीटी पर भी पेपर हो चुका है और आपका पीजीटी पर भी हो चुका है। ठीक है, बाकी पीआरटी पर अभी तक स्क्रीनिंग नहीं हुआ है, तो कुछ नहीं कहा जा सकता कि उसका जो सिलेबस है किस तरह से निर्धारित किया जाएगा। ठीक है, बट कुछ चीजें वहां पे भी कंफर्म है पीआरटी के लिए, तो आप उन सब्जेक्ट्स को पढ़ लें, अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें अगर आप पीआरटी लेवल के टीचर बनना चाहते हैं। तो वो चीजें भी रहेंगी कि आपको क्या पढ़ना है, शुरुआत कैसे करनी है अगर आपने एस्टेट क्वालिफाई किया है पीआरटी लेवल में। तो ठीक है, तो यहाँ पे जो टीजीटी रहता है भाई, यहाँ पे जो सिलेबस रहेगा टीजीटी और पीजीटी का कॉमन ही बताने वाली हूँ। टीजीटी में फ्रेंड्स 30 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के पूछे जाएंगे। जैसे कि आपको पता है टीजीटी और पीजीटी का एस्टेट आपने दिया है, क्वालिफाई आपने किया है, तो वहां पे आपके सब्जेक्ट आता था, स्पेसिफिक सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आते थे। तो स्क्रीनिंग में भी आपके सब्जेक्ट से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो आपका पैटर्न रहता है हूबहू एचएससी का जो सिलेबस रहता है ऑल सब्जेक्ट्स में, आपने देखा होगा उसी के पैटर्न पर चलता है, बिल्कुल ही उसी की तरह। इंटरव्यू इसमें नहीं है, बता दूं इंटरव्यू इसमें नहीं है। ठीक है, इंटरव्यू यहाँ पे नहीं है, पहले था टीजीटी पीजीटी में, इनमें आपका इंटरव्यू था, लेकिन अब जो है इंटरव्यू बिल्कुल हटा दिया है। जो बी कैटेगरी की जो आपकी पोस्टेज रहती हैं, ठीक है, हरियाणा में, उनके लिए अब इंटरव्यू बिल्कुल खत्म कर दिया है। ठीक है, बाकी कंफर्म कुछ भी नहीं है भाई, हरियाणा का कंफर्म कुछ भी नहीं है। ठीक है, नहीं कह सकते आपकी इंटरव्यू लेंगे या नहीं लेंगे, क्योंकि पहली बार ही विदाउट इंटरव्यू के भर्तियां होने वाली हैं। ठीक है, आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा वो आपका स्क्रीनिंग ही रहेगा, स्क्रीनिंग के बेस पे ही आपकी कट ऑफ दी जाएगी। आप स्क्रीनिंग को किस तरह से क्वालिफाई करते हो, ठीक है, कितने नंबर आप लाते हो, उस तरह से आपकी कट ऑफ निकाली जाएगी और आप सिलेक्ट किए जाओगे। इंटरव्यू यहाँ पर नहीं है, ये प्रोसेस रहने वाला है। यहाँ पे 30 क्वेश्चन जो है आपके सब्जेक्ट के रहेंगे, ठीक है, दोनों के लिए बता रही हूँ। यहाँ पे 25% का वेटेज रहता है हरियाणा जीके का एचएससी में। ठीक है, कोई भी एग्जाम हो सभी को पता होगा 25%, अभी हरियाणा का जो सीटी का पेपर हुआ था उसमें भी 25% आपकी हरियाणा जीके पूछी गई थी। तो सेम ही स्क्रीनिंग में भी होता है, हरियाणा का एग्जाम है तो यहाँ पे हरियाणा जीके पूछी जाती है। ठीक है, और बता दूं यहाँ पे जो आप
इधर बढ़ जाते हैं, जैसे कि हिंदी बच गया, इंग्लिश बच गई, ठीक है, कॉमन सेक्शन में, तो आपका जनरल अवेयरनेस हो गई, ठीक है, जनरल साइंस हो गई, कंप्यूटर से क्वेश्चन आते हैं 3 से 4 नंबर के, मतलब जितने भी सब्जेक्ट एसएससी के सभी को पता होगा, सिलेबस देखा होगा, ठीक है, वहां पे 25% में आपके थे ना जीके, और बाकी जितना भी 75% बचता था वहां पे आपकी पूरी ही कवर किए जाते थे सारे ही सब्जेक्ट, 4 से 5, 5, 6 नंबर के सभी, ठीक है। साइंस भी आती थी उसमें, जनरल अवेयरनेस भी आती थी, रीजनिंग भी आती थी, मैथ भी आती थी, हिंदी भी आती थी, जनरल इंग्लिश भी आती थी, ठीक है, इंडिया जीके, सारी ही चीजें उसमें कवर की जाती थी। तो सेम ही प्रोसेस यहाँ पे रहता है, बट यहाँ पे जो है सब्जेक्ट से 30 क्वेश्चन आते हैं, आपकी हरियाणा जीके से 25 क्वेश्चन आते हैं, और बाकी जो नंबर बचते हैं 100 का पेपर रहता है, ठीक है, 100 से कट ऑफ आएगी, वहां पे 10 नंबर का रिलैक्सेशन दिया जाता है, 90 नंबर का पेपर रहता है, ठीक है। अब थोड़ा चेंजिंग किया गया है इन सारी चीजों में, क्योंकि 95 का पेपर होने लगा है, तो 5 नंबर का रिलैक्सेशन मिलेगा, 95 नंबर का आपका पेपर होगा स्क्रीनिंग का, ठीक है। पीजीटी वाले बच्चे तैयारी कर चुके, मतलब कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए वैकेंसीज है, टीजीटी वाले भी स्टार्ट कर दे और पीआरटी वाले भी, अपना सब्जेक्ट अच्छा स्ट्रॉन्ग कर ले, क्योंकि देखो सब्जेक्ट, आप जब अपने सब्जेक्ट में कमांड रखते हो तो आपका सब्जेक्ट तो आएगा ही आएगा, आप कहीं भी तैयारी कर रहे हो, केवीएस में आपको जाना है, जिनका सीटेट क्वालिफाई होना, केवीएस भी भर रखा होगा, ठीक है, तो डीएसएसपी का एग्जाम दे, हरियाणा में स्क्रीनिंग का एग्जाम दे, तो आपका अपना सब्जेक्ट पे कमांड होनी चाहिए। अभी जो आपको स्टार्ट करनी है प्रिपरेशन, अपने सब्जेक्ट को अच्छा सा कर ले, ठीक है, अच्छे से प्रिपेयर कर ले, सब्जेक्ट जो है करना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सब्जेक्ट कर लेते हो तो प्राइवेट सेक्टर में भी सब्जेक्ट पे कमांड रहेगी, यहाँ पे भी आपको बहुत ही एक्सपीरियंस आप गेन कर सकते हो। उसके बाद बता दूं आपको, ठीक है, जनरल इंग्लिश आपको करनी है, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम आप दे ले, वहां पे आपको जनरल इंग्लिश से क्वेश्चंस आते हैं, आपके लिए जो है अपनी जनरल इंग्लिश कवर कर ले अच्छे से, हिंदी अपनी कवर कर ले, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट एस्टेट गया है तो बहुत अच्छे से पढ़ रखी होगी, लेकिन यहाँ पे जो आपका स्क्रीनिंग होगा यहाँ पे थोड़ा लेवल हाई पूछा जा सकता है, तो अपना इजिली कर ले, इनको अच्छे से प्रिपेयर कर ले, ठीक है। इसी तरह से अपना रीजनिंग और मैथ, तब तक ये कंफर्म सिलेबस नहीं हो जाता है, तो ये तो आप अच्छे से कर ही ले, और एक हरियाणा जीके, ये सभी को करनी है सबसे पहले, जैसे ही सिलेबस अच्छे से पता चल जाए तो आप जो है और चीजों को ध्यान दे। सब्जेक्ट हरियाणा जीके 25 की आती कंफर्म है, 30 नंबर का सब्जेक्ट आता है, इंग्लिश हिंदी रीजनिंग मैथ कॉमन में आते हैं, साइंस ये सभी अपनी कॉमन जो जनरल नॉलेज होती है, ठीक है, सभी सब्जेक्ट के कॉमन सेक्शन जो होते हैं क्लियर कर ले, क्योंकि आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे वहां पे ये सारे ही सब्जेक्ट पूछे जाते हैं सभी चीजों में। तो आपका ये स्क्रीनिंग था, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। यहाँ पे जो है स्क्रीनिंग देंगे बच्चे वो एसटेट के बाद ही दे पाएंगे, तो तैयारी करते रहे। तैयारी कहाँ से करनी है ये मैं आपको बता देती हूँ, जब आप बेसिक तैयारी स्टार्ट करते हैं, ठीक है, सबसे पहले आप कोई अच्छी सी अगर बुक लेना चाहते हैं तो बुक भी ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास कोई अच्छा कोचिंग सेंटर है तो कोचिंग आप लगा ले, क्योंकि यहाँ पे जब आप एसटेट क्वालिफाई कर रहे हैं और आपके सामने वैकेंसीज हैं तो रिस्क बिल्कुल भी ना ले, क्योंकि कोचिंग से क्या होता है आपका टाइम टेबल फिक्स हो जाता है, ठीक है, आपको जो है पढ़ना है तो पढ़ना है, जाना है तो जाना है, चीजें कवर करनी है तो कवर करनी है, वहां टीचर्स के अकॉर्डिंग जो वर्क दिया जाता है वो आपको कवर करना है। उसी के साथ साथ आप अपनी सेल्फ स्टडी भी करें, क्योंकि उससे क्या है आप अपना भी एनालाइज कर पाओगे कि आप कितनी चीजें कर पा रहे हो, ठीक है। अगर YouTube चैनल की मदद लेना चाहते हो तो YouTube चैनल की भी मदद ले सकते हो, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे चैनल हैं जहाँ पे स्क्रीनिंग की भी तैयारी की जा रही है। जनरल जो होते हैं चीजें, जैसे कि हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गई, मैथ हो गई, हरियाणा जीके हो गए, बहुत अच्छे अच्छे चैनल हैं YouTube पे, ठीक है। YouTube के लिए आप अगर हरियाणा जीके करना चाहते हो तो प्रदीप सर जो आपके हरियाणा में है टीचर YouTube है, ठीक है, उनका तो बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, आप हरियाणा जीके उनके चैनल से इजिली कवर कर सकते हो, ठीक है। इंग्लिश के लिए बता दूं, अगर इंग्लिश करना चाहते हो तो आप डियर सर हैं, ठीक है, बहुत ही अच्छा इंग्लिश समझाते हैं, बहुत ही अच्छा ग्रामेटिकल वो करवाते हैं, तो वहां से आप कवर कर सकते हो इंग्लिश के लिए, ठीक है। हिंदी के लिए भी आप मैग्नेट ब्रेन से एक चैनल है उससे कवर कर सकते हो, इस चैनल पर भी आपको सभी जनरल जो आपके सब्जेक्ट होते हैं सभी को अच्छे से प्रिपेयर कराया जाता है, हिंदी का भी, इंग्लिश का भी, रीजनिंग भी, मैथ भी, हरियाणा जीके भी इस चैनल के माध्यम से कवर कराई जाएगी, ठीक है। सारे ही सब्जेक्ट के आपको इस चैनल से हेल्प लेगी, मैं ये तो नहीं कह रही भाई स्क्रीनिंग के लिए आप मेरा ही चैनल सफिशियंट रहेगा, मैं ये नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ मैं इस चैनल पर आपको पूरा ही कंटेंट दूंगी, वो भी एग्जाम ओरिएंटेड चीजें दूंगी जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा रिविजन के लिए, ठीक है। बाकी आपको सेल्फ स्टडी मेहनत अपनी खुद ही करनी पड़ेगी, ठीक है, अच्छी गाइडेंस आपको लेने की जरूरत है, आपको पता होनी चाहिए कि क्या चीजें आपको पढ़ना है, सबसे पहले आप प्रीवियस क्वेश्चन चेक करना है, आपको प्रीवियस क्वेश्चन में देखना है कि क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जा रहे हैं, उससे आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या है, ठीक है।
चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। इस चैनल पर भी आपको जो है बहुत ही हेल्प मिलेगी, ठीक है, सभी सब्जेक्ट की वीडियो आएगी। और बता दूं भाई, मैं अपने चैनल पर जो तैयारी करवाने वाली हूँ स्क्रीनिंग के लिए, वो बेस्ट तैयारी रहेगी, ठीक है। आपको एक भी नंबर की गलती वहां पे नहीं मिलने वाली है। आप यहाँ पे रीजनिंग की तैयारी कर सकते हैं इस चैनल के माध्यम से। यहाँ पे मैं रीजनिंग करवाऊंगी आपकी, जितने भी नंबर की पूछी जाएगी स्क्रीनिंग में या फिर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, क्योंकि मैं यहाँ रीजनिंग करवाऊंगी टॉपिक वाइज, ठीक है, टॉपिक वाइज रीजनिंग रहेगी। ब्लड रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं रीजनिंग के अंदर, सारे ही मैं टॉपिक वाइज करवाऊंगी। कोई मर्जी चाहे एग्जाम दे लेना, रीजनिंग से क्वेश्चन गलत नहीं आएगा। इससे पहले मैंने एस्टेट की रीजनिंग कराई थी, सीटी की रीजनिंग कराई थी, जहां से 10 में से 10 क्वेश्चन मेरे रीजनिंग में से बन गए थे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रीजनिंग करवाऊंगी, हिंदी बहुत अच्छे से करवाने वाली हूँ भाई। हिंदी की आप तैयारी कर सकते हो, रिविजन कर सकते हो, ठीक है। जो चाहे आप यहाँ से अगर फॉलो करते हो तो आपको हिंदी की बहुत हेल्प मिलेगी। स्क्रीनिंग की नहीं, केवीएस एग्जाम हो गया, डीएसएस भी हो गया, तो मैं टॉपिक वाइज आपका कंप्लीट कराने वाली हूँ हिंदी। इसी तरह से मैं इंग्लिश भी कराऊंगी अपने इस चैनल पर, और मैथ भी करवा दूंगी अगर आप सभी कहोगे तो, ठीक है। इस तरह से हर हरियाणा जी के ये 4-5 सब्जेक्ट मैं भी चैनल पर कवर कराऊंगी। तो आप जरूर चैनल को फॉलो करना, आपको बहुत ही अच्छी चीजें यहाँ पे मिलेंगी बेसिक से एडवांस लेवल तक की। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हो। बाकी मैंने आपको जो है चैनल बता दिए हैं, आप उनसे तैयारी कर सकते हो, ठीक है। मैथ के लिए मेहता सर का चैनल बहुत अच्छे से तैयारी करवाते हैं मैथ की, आप वहां से कर लेना, ठीक है। हिंदी का मैग्नेट ब्रेंस, जहां पे आपको बहुत ही अच्छे से एनसीईआरटी कवर कराई जाती है, आप वहां से कवर कर सकते हो। एमएससी नॉर्थ से एक चैनल है, वहां से कवर आप कर सकते हो, ठीक है। ये बेस्ट चैनल है भाई, सभी सब्जेक्ट की मैं बता रही हूँ, और सारे ही सब्जेक्ट आपको मेरे चैनल पर भी मिलेंगे, ठीक है। तो ये रहने वाले हैं, इंग्लिश का मैंने आपको बता दिया, मैथ का बता दिया, ठीक है। रीजनिंग मैं अपने चैनल से कवर करा दूंगी, आप देख सकते हो। तो इस तरह से आप बेसिक चीजों की स्टार्ट कर सकते हो तैयारी अपना इसे यहाँ से यूट्यूब चैनल से। अपना कोचिंग लेना चाहते तो वहां से करें, ठीक है, पर तैयारी कर ले। अगर वैकेंसीज है, स्टेट क्वालिफाई है, ठीक है, वैकेंसी सभी को पता है, बहुत दिनों बाद आई है, तो अपनी तैयारी करते रहें। पीआरटी वाले भी करते रहें और टीजीटी वाले भी करते रहें। वीडियो कैसी लगी सभी जो है कमेंट करके बता देना, और साथ ही साथ सभी को अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में डाउट कर देना, मैं कोशिश करूंगी आपके सभी डाउट क्लियर करने की, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।